जी सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्लास की एडमिशन के लिए जम्मू कश्मीर में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की एडमिशन जो है वो नहीं दी जा रही स्कूलों के द्वारा, क्योंकि एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि 6 साल की आपकी एज होगी तो आपको एडमिशन दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं कि कुछ स्कूल वाले पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाकर अगर किसी बच्चे की 5 साल एज है तो उसको भी एडमिशन दी जा रही है। हम भी चाहते हैं कि एडमिशन होनी चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया बनना चाहिए, क्राइटेरिया बनने के बाद एडमिशन होनी चाहिए ताकि बच्चों को 10th में प्रॉब्लम ना आए। और कुछ स्कूल वाले जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स को, वो ना बनाए। हम सबको मिलकर एक ये फाइट करनी होगी, एलजी साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा कि 6 साल की एज रखिए, लेकिन न्यू जो एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो नर्सरी क्लास से जो बना हुआ है जिनका, वहाँ से पढ़कर आए। 6 साल जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी, LKG, UKG, अगर उनकी एज 5 साल है, 5.5 साल है, उनके लिए एडमिशन का क्राइटेरिया जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लासेस बैठ जाएंगी। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम बच्चों को आने वाली है, क्योंकि बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो LG साहब को ये सोचना चाहिए कि नया एक क्राइटेरिया बनाया जाए एजुकेशन पॉलिसी में, फर्स्ट क्लास के बच्चे जो UKG क्लास के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बच्चे इनरोल में हैं, उनके लिए एक वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं और माँ बाप का 1 साल वेस्ट ना हो, माँ बाप 1 साल फीस और ना बढ़े, UKG क्लास 2 बार ना करनी पड़े। इसलिए आपको ये निकालना पड़ेगा। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द एक क्राइटेरिया निकाला जाए ताकि बच्चे जो है वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन भी ले सके और उनको 10th में प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।